हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दोपहर के समय फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है ताकि हम उसकी महिमा को कर सके, इसलिए हम लोग क्यों ना कुछ देर मिलके प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर। हेवनली फादर, वी कम इन योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड जीसस। वी थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस ओ लॉर्ड जीसस, दैट वी मे कम इन योर प्रेजेंस एंड लिफ्ट योर होली नेम ओ लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फादर इन हेवन, वी सबमिट द एंटायर टाइम इन योर हैंड ओ लॉर्ड जीसस, एंड वी प्रे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका नाम महिमा पाने पाए, प्रभु जी आपका सामर्थ्य हमारे बीच में उतरने पाए, प्रभु जी आपका वचन हमसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमारी आराधना हमारे गीत आपको भाने पाए। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तुझको कहूँ
परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू है पवित्र, तुझ में मिली है मुझे भरपूर सामर्थ्य। वचन ये तेरा मेरे लिए है भोजन, लहू ये तेरा मेरी शुद्धि का कारण। पिता परमेश्वर तू है पवित्र, तुझ में मिली है मुझे भरपूर सामर्थ्य। हो वचन ये तेरा मेरे लिए है भोजन, लहू ये तेरा मेरी शुद्धि का कारण। मेरे खुदा तू है महान, मेरे पिता तू है महान, मेरा राजा चरवाहा तू है, मेरा रचयिता। धन्य तुझको तुझको कहूं मैं। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको इस दोपहर के समय धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप में हमें सामर्थ मिलती है प्रभु जी। आपका लहू हमारे छुटकारे का कारण है परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने अपने लहू को बहा करके हमें नया जीवन दिया है, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा पूर्ण नियंत्रण को करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस। हालेलुया, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को, चुनौती का सामना करने को, मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी सुखपन खुशहाली में हो,
शक्तिशाली में हो। प्रभु जी मेरी शुरुआत बड़े छोटी हो सकती है प्रभु जी, लेकिन अंत में प्रभु जी मैं भरोसा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु जी मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप विस्तार लाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, ग्लोरी जीसस। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी जीसस, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आपके नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी जीवित है प्रभु जी, आप मरे हुए नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप जीवित है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के वचन को प्रभु जी, हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में चलने पाए, फिरने पाए और मंडराने पाए। पवित्र आत्मा आप घेर लीजिए इस जगह को प्रभु जी, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना और विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी लोगों को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने पाए, आप लोग परमेश्वर की दया को और भी अधिक अपने जीवन में देखने पाए। मैं इस बात को प्रार्थना करती हूँ कि वचन जो हम वचन में जा रहे हैं, ये वचन में जाने का समय हम सब के लिए एक बड़ी ही आशीष का कारण हो। हम सब निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से एक जगह से, उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय उसका एक और दो वचन में पढ़ना चाहूंगी, इसका पहला और दूसरा वचन, उत्पत्ति 21 का एक और दो। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि ली, उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के बारे में मैं आप सभी से बात करना चाहूंगी वो है नियुक्त समय, टाइम दैट गॉड अपॉइंट्स इन आवर लाइव्स। हमारे जीवनों में परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया है, इस टॉपिक पे मैं आज सबसे बात करना चाहूंगी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर के जाते हैं, पर हमारे जीवन में हम कैसी भी परिस्थिति से होकर के क्यों ना जाए, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, हम खुशी के परिस्थिति में हो, हम दुख की परिस्थिति में हो, हम वेटिंग के प्रोसेस में हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर से
आपको सुनने वाला बनना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम अगर देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। यहां पर हम सब अब्राहम और सारा के बारे में पढ़ रहे थे और हम सब जानते हैं अब्राहम और सारा परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे। अब्राहम जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो उसके लिए विश्वास के लिए एक बड़ा कारण बन गया, क्योंकि एक सुनी हुई आवाज पर उसने विश्वास किया। और लिखा है कि अब्राहम और सारा उस आवाज को सुन करके निकल गए और अब्राहम उस समय 75 साल का था मेरे प्रियो। और वादे का जो वचन उसके जीवन में पूरा हो रहा है, उसके लिए एक बड़ा ही इंतजार उसको करना पड़ा। और उस इंतजार करने के बीच में सारा ने भी अपने दिमाग को बहुत चलाया, अब्राहम ने भी उसकी हाँ मान ली और हम देखते हैं एक अनप्लान्ड एक चीज उनके जीवन में होती है और वो है इश्माएल। इश्माएल अब्राहम और परमेश्वर का सोच नहीं था, लेकिन इश्माएल जो था अब्राहम और सारा के परिस्थिति को देख करके विचार करने का एक रिजल्ट था इश्माएल। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वादे को जो परमेश्वर ने अब्राहम को 75वें साल में दिया था, उत्पत्ति 12 में जो हम पढ़ते हैं, उस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया। और उस वादे को पूरा किया वाला पोर्शन आज हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने नियुक्त समय पर, नियुक्त समय, मेरे प्रियो हम सबके जीवन में परमेश्वर ने नियुक्त समय रखा है। लेकिन आपको उस नियुक्त समय को जानने से पहले इस बात को जानना है कि क्या आपने परमेश्वर से सुना है। क्योंकि यहां पर आप जब अब्राहम और सारा के जीवन में जाते हैं, जब हम 18 अध्याय पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है उसका दूसरे वचन को मैं पढ़ूंगी। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया। यहां पर अब्राहम ने 3 लोगों को, 3 पुरुषों को देखा और इस स्टोरी को हम जानते हैं। वहां पर अब्राहम ने इन 3 लोगों को अपने घर में निमंत्रण दिया और ये 3 लोग जो थे ये परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग थे। और इन्होंने जो अब हम 18 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, उन्होंने अब्राहम से या उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। मेरे प्रियो, यहां पर अब्राहम और सारा दोनों ने परमेश्वर की उस आवाज को, उस प्रॉमिस को अपने लाइफ में सुना था, अपने लाइफ में उस आवाज को, परमेश्वर की आवाज को पाया था। मेरे प्रियो याद रखिए, अगर आपको परमेश्वर ने अपने प्लान को बताया है, अगर आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, प्रभु की उस आवाज को सुना है, तो मैं आपको आज ये निश्चय आपको 110% कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगी, अगर आपने परमेश्वर का आवाज सुना है सो परमेश्वर 100% आपको उस कही हुई आवाज के अनुसार नियुक्त समय पे अपने कार्य को पूरा होता हुआ दिखाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में समस्या तब आती है जब हम अपने ही प्लानिंग्स को, अपने ही सोचने के अनुसार कई चीजों को सोच लेते हैं, बातों को कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप वो व्यक्ति हैं जिनसे परमेश्वर ने कुछ कहा है और अगर आप उस समय में वेट कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए परमेश्वर ने आपके लिए एक निश्चित समय रख रखा है। उस निश्चित समय पे, उस नियुक्त समय पे, उस समय पे जो परमेश्वर ने आपके लिए निश्चित कर रखा है, गॉड विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। परमेश्वर निश्चय आपके लिए उस समय पे कार्य करेगा, क्योंकि वो अपने बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम जब आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ही सारा ने उस बात को सुना, सारा जो है तंबू के अंदर हंसने लगती है, अपने मन में हंसने लगती है। कई बार ऐसा होता है, हम कई बातों को सुनकर हंसने लगते हैं, एकदम से अपने मन में हंसने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने मन में जो करते हैं या हम अकेले कुछ चीजों को जो करते हैं, वो कोई नहीं जानता परमेश्वर के अलावा। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है अब्राहम को नहीं मालूम था कि
सारा अंदर कमरे में हंस रही थी, क्यों? क्योंकि सारा अपनी परिस्थिति को देख करके हंस रही थी। सारा कह रही थी मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, सारा कह रही थी मेरा पति बूढ़ा है, 100 साल का होने वाला है, सारा कह रही थी मैं 90 साल की होने वाली हूँ। सब कुछ उनके विपरीत में था मेरे प्रियो। अपनी उन परिस्थितियों को देख करके सारा यहाँ पर हंस रही थी। कई बार हम भी, परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे लाइफ में होता है लेकिन हम अपनी परिस्थितियों की ओर देखते हैं। अरे मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा सिचुएशन ऐसा है, लेकिन मेरे प्रियो मैं याद रखा, आप इस बात को याद रख लीजिए, जब परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया है ना, उस दर्शन की बात को लिख करके रखिए, एक हैबिट बनाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, एक हैबिट बनाइए, प्रभु ने आपको जो भी कहा है राइट इट डाउन, और जब वो पूरा होगा टिकट, उसको टिक लगाइए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस प्रॉमिस को पूरा किया है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है, आपको परिस्थितियों को देखना नहीं है, आपको उस प्रॉमिस को देखना है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्रॉमिस किया है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे कि परमेश्वर अपने कहे हुए नियुक्त समय पर उस वादे को पूरा करता है। मेरे प्रियो, हम एक और जगह से पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, हबक्कूक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन, हबक्कूक 2:4, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि दर्शन की ये बात साफ साफ लिख ले कि वो दौड़ते हुए भी पढ़ सके कोई, कि अगर कोई दौड़े तो भी वो बंदा उस दर्शन की लिखी हुई बात को पढ़ सके, क्योंकि ये नियत समय पे पूरी होने वाली है। उसमें विलंब हो सकता है पर ये निश्चित पूरे होने वाली है। मेरे प्रियो, इस वचन के थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में मैं जाना चाहूंगी। ये वचन परमेश्वर ने तब कहा जब इज़राइल के लोग बेबीलोनियन कैप्टिविटी में थे। 70 वर्ष ये लोग बेबीलोन की गुलामी में थे और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, एक समय है जब मैं इनको छुड़ाऊंगा, और वो समय जो था परमेश्वर लेकर के आया। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कार्य करने का एक समय है, वो निश्चय पूरा होगा। निश्चय परमेश्वर उन बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। भले ही आपकी परिस्थिति कैसी है, वहां पर इजरायली लोग गुलामी में थे, लेकिन हबक्कूक इस बात से उनको एनकरेज कर रहा है कि परमेश्वर जरूर कार्य करेगा, उनको उस गुलामी में से छुड़ाएगा, बेबीलोनियन गुलामी में से छुड़ाएगा, बेबीलोनियन को नाश करने के लिए परमेश्वर किसी और को लेकर के आएगा, लेकिन नियत समय पे, निश्चित समय पे ये पूरा होगा। इसके पूरे होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर की आवाज आपने सुना है तो वो निश्चय होगा। हबक्कूक ने परमेश्वर की आवाज सुना, अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उन्हें कठिन लगा, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है नियुक्त समय पे वो दर्शन की बात पूरी होती है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्या आप वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिस किया है? क्या आप वो व्यक्ति है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लाइफ में इस बड़े कार्य को करने जा रहा हूं, तेरे लाइफ की इस परिस्थिति में मैं तेरे लिए कार्य करूंगा? लेकिन मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की उस बात को भरोसा रखना है, विश्वास रखना है उस विश्वास की यात्रा में। हम एक और जगह से पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, भजन संहिता उसका 75:2, भजन संहिता 75 अध्याय उसका 2 वचन, साम्स चैप्टर 75:2, वहां पर इस प्रकार से लिखा है जब ठीक समय आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। उसका मतलब है हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रॉमिसेस का जैसे टाइम है, परमेश्वर हमारे जीवन में न्याय करने का भी टाइम है। हमारे लाइफ में कई बार हम कई परिस्थितियों से होकर के जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमें सही न्याय नहीं मिला, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ठीक समय पर, राइट टाइम पर परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब ठीक समय आएगा वहां लिखा है, मतलब एक समय है जो आने वाला है, फ्यूचर है वो, जब ठीक समय आएगा तब परमेश्वर कार्य करेगा। मेरे प्रियो, एट हिज अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर के उस नियुक्त समय पे परमेश्वर ने जो बात कही है मेरे प्रियो वो पूरी होगी मेरे प्रियो। लेकिन इस परिस्थितियों से जब हम होकर के जाते हैं, कई बार हमारे लाइफ में नेगेटिव बातें आती हैं, कई बार हमारे लाइफ में, मालूम शैतान कई बार हमारे लाइफ में कोई डायरेक्ट 2 सींग लगा करके कभी नहीं आएगा, लेकिन शैतान जब भी हमारे लाइफ में आता है वो किसी लोगों की बातों के द्वारा हमारे जीवन में आएगा, या हो सकता है हमारे ही अंदर से हम कई आवाजों को सुनेंगे, अरे ये नहीं हो सकता, कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम सारा के जीवन में यही देख रहे हैं, सारा के अंदर से आवाज आ रही है ना,
सारा के अंदर से क्या आवाज आ रही है, कैसे होगा, मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है, बहुत सारी परिस्थिति है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर से वो नेगेटिव विचार आते हैं, जब लोगों के द्वारा कई नेगेटिव आवाजों को हम सुनते हैं, मेरे प्रियो, उन सबको यीशु के नाम से आपको कैंसिल करना है और कहना है नो, मैं विश्वास करती हूँ कि निश्चय परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वो निश्चय पूरा करेगा, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने लोगों के जीवन में, प्रभु के भक्तों के जीवन में गवाहियों की लाइन है बहुत सारा। जब हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, परिस्थितियों के विपरीत परमेश्वर कार्य किया है। मेरे प्रियो, नियुक्त समय पे हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम एक और जगह से पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका नवा अध्याय उसका पांचवा वचन। निर्गमन की किताब उसका नवा अध्याय और उसका पांचवा वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया। ध्यान से सुनिएगा, फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इजरायली लोग जो है वो मिस्र देश के अधीन में है, वो लोग गुलामी में है, और परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा वहां से निकालना चाहता है। हमेशा याद रखिए, जब आप परिस्थिति में हो जो आपके फेवर में नहीं हो, या जहां पर आप अधीन में है, गुलामी में है शैतान की, परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेगा, मेरे प्रियो, जो आपको उस परिस्थिति में से बाहर निकालेगा। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा कार्य करना वाला है, और परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैं, यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, परमेश्वर ने एक समय ठहराया था, और वो समय था क्या था, कल, बहुत निकट समय था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कल मैंने एक समय ठहराया है, और ये ठहराया कब है, आज नहीं ठहराया है। मैं और आप जब पढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं कल कर रहा हूं, नो। परमेश्वर ने जब अब्राहम से, मेरे प्रियो, हम जब उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही ये कह दिया था कि तेरे पूर्वज, तेरे लोग जो होंगे, तेरे बच्चे जो होंगे, तेरी जनरेशन जो होगी, वो एक दूसरे देश के गुलाम में हो जाएगी, और मैं उन्हें वहां से छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का ये प्रॉमिस था। उस समय पर ही परमेश्वर ने सारी प्लानिंग बना रखी थी कि परमेश्वर क्या कह ठहराएगा, क्या करेगा। और परमेश्वर ने यह भी अब्राहम से कहा था, करीब 400 साल तेरे लोग, तेरा जनरेशन गुलाम रहेगा। वो ठहराया हुआ समय, मैं कल इस कार्य को करूंगा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन वो अब्राहम से पहले ही कर चुका था वादा कि वो क्या करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अगर कुछ बोला है, वो उसे निश्चय करेगा। आपको और मुझे बस एक काम करना है, वो है विश्वास कि परमेश्वर का वो अपॉइंटेड टाइम मेरे लाइफ में डेफिनेटली आएगा, निश्चय आएगा। उसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मैं उसका बाट, उसकी बाट जरूर जोऊंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम एक और जगह से निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से, फिर से हम वापस आएंगे सबोपदेशक की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका पहला वचन। सबोपदेशक की किताब तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्टता से कहता है, हर एक बात का जो हमारे दुनिया में है, जो कुछ हो रहा है, हर एक बात का एक निश्चित समय है। अभी हम लोग एक बहुत ही टफ टाइम से जा रहे हैं, हम सब इस कोरोना की परिस्थिति से उकर के जा रहे हैं, लॉकडाउन की परिस्थिति से, 2020 में यहाँ पर हम कैद हैं, बंद है। लेकिन परमेश्वर का ये पहले से ही, परमेश्वर ये सब कुछ जानता था। हर एक बात का एक समय ठहराया हुआ है परमेश्वर ने, क्या कब होगा। देखिए, सूरज उगने का एक समय है, सूरज के डूबने का एक समय है। परमेश्वर ने हर बात का एक समय नियुक्त किया है और ठहराया है, मेरे प्रियो। और वही नियुक्त समय हम देखते हैं अब्राहम और सारा के जीवन में आया। मेरे प्रियो, 18th चैप्टर वो चैप्टर था उत्पत्ति का, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को प्रॉमिस दिया। लेकिन हम 21st चैप्टर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसका पहला और दूसरा वचन, वो चैप्टर है जहां पर वो वादा पूरा होता हुआ मेंशन किया गया है। हालांकि हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन को बाद में डिवाइड किया चैप्टर्स में, वर्सेस में, सब में, ताकि हम लोग के कन्वीनियंट हो वो। लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगी कि हम सब के भी लाइफ का
एक चैप्टर है जहां परमेश्वर हमें वादा देता है और एक चैप्टर है जहां पर वो वादा पूरा होता है। हमारी स्टोरी में, हम सब भी विश्वास की स्टोरी में है, याद रखना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हम जो भी करते हैं, परमेश्वर एक किताब में हमारे बारे में लिख रहा है। इस स्टोरी में, इस कहानी में, मेरे और आपकी विश्वास की कहानी में परमेश्वर ने एक अपॉइंटेड टाइम रखा हुआ है और उस अपॉइंटेड टाइम के आने तक कई चीजें हैं जो परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर देखने वाला सुनने वाला है। इसराइलियों के जीवन में हम देखते हैं उन लोगों ने परमेश्वर के बारे में बार बार बड़बड़ाते थे, अरे तू हमें क्यों निकाल के ले आया, मार डालने के लिए निकाल के ले आया क्या, हम तो मिस्र में अच्छे थे, परमेश्वर उनके लिए भलाई करना चाह रहा था इसलिए परमेश्वर ने वादा दिया, उनके आंसुओं को देख करके उनको छुड़ाया, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बड़बड़ाते थे मेरे प्रियो। इसलिए हमें एक बात सीखना है, उस अपॉइंटेड टाइम तक, परमेश्वर के उस अपॉइंटेड टाइम तक, उस वादे के पूरे होने वाले हमारे लाइफ के चैप्टर में पहुंचने तक हमारे लाइफ में एक गैप है। उस गैप में आपको और मुझे परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना है, अपने शब्दों से परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना है, कहना है परमेश्वर मुझे विश्वास है आप मेरे लिए पक्का करोगे, आपके टाइम पर, आपके नियुक्त टाइम पर आप मेरे लिए कार्य करोगे, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरा परमेश्वर हो, आपने मुझे वादा किया है और आपकी बात कभी नहीं टलेगी। मेरे प्रियो, हमें विश्वास के शब्दों को अपने जीवन में बोलना है। जब हम विश्वास के शब्दों को बोलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने उस कार्य को हमारे जीवन में जरूर प्रकट करेगा, उस अपॉइंटेड टाइम को परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर लेकर के आएगा। अपनी परिस्थिति को ना देखें, लोगों की या अपने आप की उस नेगेटिव आवाज को ना सुने, लेकिन बड़े ही विश्वास के साथ परमेश्वर के उस अपॉइंटेड टाइम के लिए आप इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो निश्चित पूरे बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजा, मैं आपके पास आती हूँ प्रभु जी, और इस समय परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिया परमेश्वर पिता, कि हम आपके वचन में जा सकें, आपके वचन में से मनन कर सकें प्रभु जी, हम ये देख सकें कि कैसे आपने पूर्ण पहले के समयों में प्रभु जी, पूर्व युग में, पूर्व समयों में अपने दास और दासियों के जीवन में अपने वादे के अनुसार अपने नियुक्त समय पर आपने कार्य किया है परमेश्वर पिता। ये हो नहीं सकता प्रभु जी कि आपकी आवाज को हमने सुना हो अगर और वो बात पूरी ना हो, क्योंकि आप वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप वो नियुक्त समय हमारे जीवन में लेकर के आइए प्रभु जी, और उस नियुक्त समय तक आने में प्रभु जी हमें विश्वास योग्य बना करके रखिए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे संग है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, आपने हमारे प्रभु जी गीतों को ग्रहण किया, आपने हमारे वचन को प्रभु जी दिया प्रभु जी मन्ना के रूप में, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई लोग होंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो अपने उस अपॉइंटेड टाइम का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने शायद प्रभु आपकी आवाज को सुना होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनको विश्वास में दृढ़ करिएगा प्रभु जी, कि वो अपने जीवन में आपके सामर्थ्य हाथ को देखने पाए प्रभु जी। जैसे आपने मिस्र देश के लोगों से कहा, ओ परमेश्वर, आपने इजराइलियों से कहा कि चुप रहो और मेरे उद्धार का काम देखो, ओ प्रभु जी मूसा के द्वारा, प्रभु जी मूसा के मुंह के शब्द थे प्रभु जी, खड़े रहो और यहोवा का कार्य देखो प्रभु जी। ये लोग भी प्रभु जी शांत रह करके आपके कार्य को देखने वाले बन जाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, इस प्रार्थना और विनती को हमारे उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ इस पेज में आने के लिए, परमेश्वर के दास ने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड।